स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैंने आपको कई वीडियो सेंड किए जिसमें मैंने खाली टॉपिक को आपके वो जो बोले एग्जाम से रिलेटेड मैंने वो सारे टॉपिक आपके ग्रामर के लिए मैंने लगभग कई बार रिवीजन की उत्तर करा दिया हर टॉपिक का, चाहे वो पैसिव वॉइस हो या फिर वो चाहे नरेशन हो, चाहे क्रिएटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो और चाहे ऑर्डर्स हो, सबका मैंने रिवीजन आपको कराया। मैंने पैराग्राफ्स के भी बारे में बताया आपको, कई पैराग्राफ्स मैंने आपको कराए और जो लेंथी टॉपिक है जैसे लेटर है, फॉर्मर एंड फॉर्मर, ये सब भी मैंने आपको कराया। अब वैसे मैंने यूं तो देखा जाए तो इनकी कोई लिमिटिंग नहीं, इनको बहुत सारा कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने लगभग आपको सारे जो पैराग्राफ से करा दिए हैं। अब प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को वो आती है कि मतलब एक उसमें एक क्वेश्चन आता है अपने उसमें रेजोल्यूशन से कि एक तो आता है दो नंबर का जिसमें अपन को 20 से 25 वर्ड्स लिखने होते हैं और जिसके अपन को मार्क्स मिलते हैं, और एक आता है तीन नंबर का जिसमें अपन को 30 से 40 वर्ड्स लिखने होते हैं जिसके अपन को 3 मार्क्स मिलते हैं इसका आंसर देते हैं, और एक आता है जिसमें अपन को 60 से 80 वर्ड्स लिखने होते हैं 5 मार्क्स, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर हम लोग लगभग 80% लगता है, इसलिए अपन को 5 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम से। तो ऐसी एक लेसन है जिसका आज मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब इस कहानी को उसी से रिलेटेड और हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले वो लेसन है उसका मैं नाम लिखा हूँ और उसके बारे में बता दूँ आपको। लेसन का जो नाम है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि बिना पैरों के पदचिह्न, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। दिस जैसे हम इसको अगर इंग्लिश में बताना चाहोगे स्मार्ट में, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट ए साइंटिस्ट, ही इज वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिसका मैंने ही डिस्कवर्ड ए रेडार गन, बाय दिस ड्रग ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल पर्सन, but he had to remove his clothes to become an invisible person. Griffin was, his name is Griffin, Griffin was called an anonymous person. He did not care to any person's things. His landlord did not like him, he wanted to reject him from his house. In revenge, when leaving after the secret inside, Griffin set fire to the house of his landlord, and he had to remove his clothes to become the invisible person. When he thinks he stole things, he trapped, he did the wrong one, then
he had to become invisible person, and to become invisible person, he had to remove his clothes. We can say that we become naked person due to invisible person. एक अदृश्य करने के लिए उसे बोला इसमें क्या है? ये जो लेसन है वर्ल्ड फिलोसफी की, ये एक साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है? एक साइंटिस्ट है और जिसने एक अनोखी दवा की खोज की है और उस दवा के द्वारा वो स्वयं को अदृश्य बना सकता है। बट होता क्या है, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू बिकम द इनविजिबल पर्सन। लेकिन एक अदृश्य व्यक्ति बनने के लिए उसे स्वयं को अपने कपड़े उतारने हैं, देन ही बिकम द इनविजिबल पर्सन। तभी वो एक अदृश्य व्यक्ति बनता है। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डॉक्टर बनना, मतलब ही वियर्स आर्टिफिशियल थिंग्स जस्ट लाइक फॉल्स नोज, फॉल्स मस्टर्ड एंड फॉल्स बियर्ड, लाइक टू बी एयर ग्लास एंड फॉर इट टू प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स टू बिकम द इंग्लैंड टू बिकम द इनविजिबल पर्सन। तो उसे ऐसे मुझे बहुत डर होता है, अगर वो दृश्य हो जाए वो भी काम ऐसे वो गलत कर देता है, और फिर उसे उसके लिए दृश्य होना पड़ता है। तो अदृश्य होने के लिए उसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो यही इसमें एक कहानी है, उसकी स्टोरी है कि उसने दवा की खोज की है। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ उसका आंसर ये जो लॉ है
ये बड़े लेते हैं इसका पूरा हिंदी और देखिए समझो इसको ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था ही वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट पर बहुत ही कुशल बुद्धि वाला वैज्ञानिक He discovered a rare drug. उसने एक अनोखी दवा की खोज की थी. By this drug, इस दवा के द्वारा, he could make himself invisible person. By this drug, इस दवा के द्वारा, he could make himself invisible person. वह स्वयं को अदृश्य व्यक्ति बना सकता था. इनविजिबल माने होता है अदृश्य पर्सन माने व्यक्ति मेक माने बनाना हिमसेल्फ माने स्वयं इस दवा के द्वारा वह स्वयं को अदृश्य व्यक्ति बना सकता था बट लेकिन प्रॉब्लम वाज दैट समस्या यह थी दैट कि ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉज ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉज टू बिकम इनविजिबल पर्सन उसे अदृश्य व्यक्ति बनने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे He had to remove मैंने उतारना क्लॉथ्स वाले कपड़े तो उसे एक अदृश्य व्यक्ति बनने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे एंड ही बिकेम अ नेक्ड पर्सन और वह बिल्कुल नंगा व्यक्ति बन जाता था ग्रिफिन वाज रादर अ लूलेस पर्सन ग्रिफिन एक कानून को भंग करने वाला व्यक्ति था हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था He wanted to eject him from his house. वह उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता था Eject माने होता है बाहर निकालना From his house अपने घर से In a revenge बदले की भावना से Griffin set fire to the house of his landlord. Griffin ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी He did not use his drug
in fact, things are right wrong. वह अपने इस दवा का प्रयोग सही चीजें में सही काल में नहीं करता. He used to steal things, steal money from his neighbor's house with the help of his truck. वह अपने इस दवा की मदद से अपने पड़ोसियों के घर से चोरी भी किया करता था या धन चुराया करता था. तो ये मैंने आपके लिए लिखा. तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अपन बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं. याद करने के बाद इसको एक दो बार राइट करें विदाउट सी और तब जाकर के हमको याद. इसे मैं ग्राफ करता हूँ थोड़ा सा और लिखता हूँ. देखिए और थोड़ा सा लगता है उसके बाद पर
that person who is stupidly said बातचीत नहीं करता था. He used to be a subordinate things to become visual person. एक दृश्य व्यक्ति बनने के लिए कुछ आर्टी लगती चीजों का प्रयोग किया जाता था. He did not help the needy persons with the help of his job. वह अपनी इस खोज की या अपनी इस दवा के द्वारा किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं करता था. Seeing this, इसे देखते हुए we can say that हम कह सकते हैं he was rather a useless person. कि वह वास्तव में कानून को भंग करने वाला व्यक्ति था. तो ये अपना हो गया लॉ क्वेश्चन. तो इसी प्रकार से आपको ये याद करना है, याद करके फिर इसको किताब से लिखना है. ऐसे ही मैं आपको कुछ लॉ क्वेश्चन हर वीडियो में आपको कराता रहूंगा और आप लोग इस वीडियो को देखते रहे. थैंक यू.